उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बहने वाली गर्रा नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से किनारों का कटान शुरू हो चुका है। ऐसे में हरदोई के शाहबाद और सवायजपुरी क्षेत्र में बाढ़ ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तटीय इलाकों के लोग मजबूरन अपना आशियाना उजाड़ सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। बाढ़ आने से एकदम हमारे यहाँ तो फसलों की सब नष्ट हो गई, जितना भी धान गया था नया सब धान बेकार हो गया है। अब पानी बढ़ता ही है, पूरे गांव में भर गया है पानी। अब जानवरों बेचारे के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। अब गांव में कटान बहुत कसके हो रहा है, आज से काम शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा, गाँव में कुछ बंद रही है। वहाँ के मकान टूट रहे हैं, एक मंदिर चला गया है गाँव से, गाँव में बहुत बड़ी दिक्कत पड़ रही है। हमारा नाम रामकिशोर पांडे। प्रशासन आज से ही शुरुआत की है हमारे यहाँ, हाँ कल से शुरुआत कर दी है, वो बांध रहे हैं थोड़ी बहुत, ईटा ईटा डाल रहे हैं। बाढ़ आने से एकदम हमारे यहाँ तो फसलों की सब नष्ट हो गई, जितना भी धान गया था नया सब धान बेकार हो गया है। अब पानी बढ़ता ही है, पूरे गांव में भर गया है पानी। अब जानवरों बेचारे के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। अब गांव में कटान बहुत कसके हो रहा है, आज से काम शुरू हुआ है थोड़ा थोड़ा, गाँव में कुछ बंद रही है। वहाँ के मकान टूट रहे हैं, एक मंदिर चला गया है गाँव से, गाँव में बहुत बड़ी दिक्कत पड़ रही है। हमारा नाम रामकिशोर पांडे। तो वहीं आज उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी और जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और जिलाधिकारी उमरिया कैथानी और हसुआपुर गांव पहुंचे, जहां बाढ़ पीड़ितों का उन्होंने हाल जाना। मौके पर सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत तमाम विभागों के अफसर मौजूद रहे। इस मौके पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री और जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। संबंधित अधिकारियों को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से दवाइयां वितरित की जाएं, साथ ही राशन सामग्री मुहैया कराई जाएगी और जिन लोगों के मकान कटान की जद में हैं या कट गए हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा और साथ ही उनके पशुओं के चारे का प्रबंध भी कराया जाएगा, जिससे किसी को कोई परेशानी न हो। देखिए, इधर शाहबाद तहसील में और बिलग्राम हमारे यहाँ तहसील है, इनमें बहुत सारे गांव जो हैं बाढ़ में प्रभावित हो जाते हैं। इसमें हमारा उमरिया कैथानी है, आज हम इसी गांव में यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे भी कटाव हो रहा है, लेकिन उसकी रोकथाम के लिए हम लोगों ने बैरिकेटिंग कर दी है और बाढ़ कटाव ना हो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ सारे गाँव के लोग हैं, हमारे साथ जिलाधिकारी हैं, पूरी टीम मौजूद है, सब सक्षम अधिकारी यहाँ पे हैं, किसी को भी किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो पाए। डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, कैंप कर रहे हैं, तो कटाव को रोकने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और पानी आगे ना आए उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं हैं, ताकि आगे भी कोई दिक्कतें ना हो पाए। और व्यवस्थाएं पूरा गांव भी साथ में है, सब लोग गांव वाले भी हमारा साथ दे रहे हैं कि आगे पानी में ना जाए, पानी में किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आ पाए, तो इन लोगों की कोई भी समस्या का कोई दिक्कत ना हो पाए, तो उसके लिए उपाय हम लोग कर सकें, उनका समाधान कर सकें, किसी को भी कोई और ज्यादा दिक्कतें ना हो इसके लिए हम सब लोग यहाँ पे मिलकर के काम। देखिए, जनपद हरदोई के शाहबाद और सवाजपुर तहसील के कुछ ग्राम प्रभावित हुए हैं। प्रभावित होने का मुख्य कारण ये है कि जो गर्रा नदी है उसमें पीलीभीत से दूरी बैराज डैम से पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यहाँ वाटर लेवल बढ़ा हुआ है और कुछ गाँव प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक गाँव जहाँ हम लोग खड़े हैं उमरपुर कैथानी नाम है उसका, ये बैरिया ग्राम पंचायत में आता है। इस बैरिया ग्राम पंचायत में चार मजरे हैं और चार में से एक मजरा प्रभावित हुआ है, एक मजरा अभी प्रभावित नहीं हुआ है, बट अगर शाम तक वाटर लेवल और बढ़ता है जैसी की संभावना बताई गई है तो वो भी प्रभावित हो सकता है। तो इन दोनों गांवों का हमने लोगों के बीच में जाके बातचीत किया है, घर देखे हैं उनके और नाव से भी दोनों गांवों का जाके भ्रमण किया है, लोगों में एक विश्वास की भावना पैदा करने की कोशिश की है। और सात घर ऐसे हैं यहाँ कैथानी में जिनके घरों के सामने पानी आ चुका है, उन्हें हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, और छह घर और हैं इसी ग्राम पंचायत इसी मजरे के दूसरी तरफ जो प्रभावित हो रहे हैं, उन्हें भी हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अभी किसी के घर में पानी नहीं आया है, लेकिन अगर शाम तक वाटर लेवल बढ़ता है या रात तक बढ़ता है, जिसकी तैयारी हम कर चुके हैं, तो कुछ घर और प्रभावित हो सकते हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि किसी भी घर में अगर पानी जाता है तो हम उनको सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। यहाँ बाढ़ चौकी बीमारी बन चुकी है, 10 लोग हैं 10 घर हैं जो कटान में हैं और पूरे गाँव में पानी फैल गया। प्रशासन बहुत जोर से लगा बचाने के लिए, कटाव रोकने सारे उपाय किए जा रहे हैं। डॉक्टरों की टीम आई, सभी डॉक्टर लोग आए और सभी अधिकारीगण यहाँ आए, माननीय मंत्री महोदय आए, जिलाधिकारी महोदय भी आए और मैडम भी आई, SDM साहब,
वीडियो शाहबाद भी आए। क्या दिक्कतें क्या हो रही हैं? अब दिक्कतें बहुत थी लेकिन समस्या सरकार ने हल कर दी। समस्या दिक्कतें थी, यहाँ भूसा नहीं था, भूसा की समस्या है सबसे बड़ी, और तो हो रही निकाल के बता दी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के कुल 16 जिले के 923 गांव इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, सीतापुर, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, हरदोई के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरदोई से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।